हाल फिलहाल में दोस्तों अभी एक न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आ चुका है रॉयल एनफील्ड के ही एक और न्यू बाइक का। और ये वाला जो बाइक है ना, तो ये एक 650 सीसी वाला ही बाइक है। और ये वाला बाइक का जो नाम बोला जा रहा है ना, तो वो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650। तो इसी वजह से वीडियो को पूरा देखते रहना, क्योंकि सारा कुछ लगभग जानने वाले हो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों अभी एक न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आया है जो कि है रॉयल एनफील्ड के ही क्लासिक 650 के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये वाला न्यूज सुनने के बाद आप लोग शायद से मुझे ये बोल पड़ो कि ये जो न्यूज है तो ये फेक है, या फिर आप जो बोल रहे हो तो ये पूरा का पूरा फेक है। तो दोस्तों देखो, ऐसा अभी कुछ भी है नहीं, क्योंकि अभी रॉयल एनफील्ड कंपनी की ही तरफ से कुछ ही दिनों पहले एक न्यू बाइक लॉन्च हुआ है। और उसके ही साथ साथ और एक जो एक न्यू चीज अभी सामने आया है ना, तो वो है 650 सीसी इंजिन का एक ट्री। जैसे कि आप लोग अभी देख ही सकते होंगे, तो इसी ट्री के ही अंदर एक चीज दिखाया जा चुका है जो कि है 650 सीसी के अंदर एक पावर वाला बाइक, और उसके ही साथ एक क्लासिक टाइप बाइक, मतलब कि अभी के रेट में जो क्लासिक 350 मिलता है ना, तो उसके ही तरह कुछ एक डिजाइन के साथ में एक बाइक को दिखाया जा चुका है। और इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े आर्टिकल वालों ने भी अभी कुछ यही छापा हुआ है कि ये जो क्लासिक 350 वाला जो बाइक है, तो इसका ही एक बड़ा वर्जन अभी आने वाला है जो कि 650 सीसी इंजन के साथ में आएगा। और वैसे भी ये जो न्यू बाइक है ना, मतलब कि क्लासिक 650 वाला जो मॉडल है, तो इसके भी अंदर आपको देखने को मिलने वाला है एक न्यू इंजन जो कि एक 650 सीसी और ट्विन सिलेंडर बेस्ड ये इंजन है, जो कि एक एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला ये इंजन है। और इसके अलावा भाई ये वाला इंजन के साथ आपको जो देखने को मिलेगा मैक्सिमम पावर इसी बाइक के अंदर, तो वो है 47 bhp। ये वाला इंजन के साथ आपको जो मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा, तो वो है 52 Nm। बाकी तो भाई इसी बाइक के साथ आपको देखने को मिलने वाला है 6 speed का गियर बॉक्स। और वैसे भी दोस्तों इसी बाइक के साथ भी आपको देखने को मिलेगा एग्जॉस्ट सिस्टम में वो ड्यूल पाइप वाला जो सीन है ना, मतलब टायर के दोनों तरफ जो एक एक करके रहता है, तो वही कुछ एक सिस्टम जो है, तो वही कुछ देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ भाई इसी बाइक के अंदर भी आपको देखने को मिलने वाला है जो एक ब्रेकिंग सिस्टम ना, तो वो है डुअल चैनल ABS का सपोर्ट ये डिस्क ब्रेक के साथ साथ। और इसके अलावा भाई इसी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 के बारे में आज से बहुत दिनों पहले ही मैं एक वीडियो दे चुका हूँ अपने चैनल पर, और उसी टाइम पर ना भाई इसी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 का जो एक लुक था, तो वो सामने आया था जो कि रस्ते को चलते हुए टेस्टिंग के दौरान ही था। और इसके ही साथ भाई देख ही सकते होंगे कि ये जो लुक है ना, तो ये एक रेट्रो स्टाइल वाला है। और इसके अलावा तो आप लोग ये भी देख ही सकते होंगे कि इसी बाइक के साथ आपको देखने को मिलेगा जो व्हील्स, तो वो है ये स्पोक वाला। और बाकी भाई अभी एलॉय वाला जो सिस्टम है, तो वो क्या बाद में आएगा या फिर नहीं आएगा, तो उसके बारे में उतना कुछ कॉन्फर्मेशन अभी आया नहीं है। और इसके ही साथ इस वाले बाइक के भी साथ आपको देखने को मिलेगा जो लाइट्स का सेटअप, तो वो भी देखने को मिलेगा। इसी बाइक का हेडलाइट और टेल लाइट जो है, तो वो LED के अंदर, लेकिन जो टर्न इंडिकेटर है, तो वो आपको बल्ब के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग अगर चाहते हो तो रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से ओरिजिनल जो LED लाइट्स का जो टर्न इंडिकेटर है, तो वो आप लोग खरीद पाओगे मतलब बाद में। और इसके ही साथ साथ दोस्तों एक और भी चीज आप लोग देख ही सकते होंगे जो कि है इसी बाइक के साथ आपको देखने को मिलेगा, वो टॉप बॉक्स और पैनियर्स लगाने के लिए जो मटेरियल्स, तो वो दिए गए हैं अलग से, जैसे कि देख ही सकते होंगे। और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के साथ आपको देखने को मिलेगा जो सस्पेंशन सेटअप, तो वो है इसी बाइक के सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे वही कॉयल वाला हाइड्रोलिक शॉक। और इसके अलावा इसी बाइक के साथ आपको देखने को मिलने वाला है जो मीटर कंसोल, तो वो भी एक स्प्लिट टाइप मीटर कंसोल है, जिसके अंदर एक आपको देखने को मिलने वाला है जो मीटर कंसोल, तो वो है एक सेमी डिजिटल वाला, जिसके अंदर आपको इंजन मैन फंक्शन से लेके ये जो ABS और उसके ही साथ ओडोमीटर, टिप मीटर, गियर वगैरह, और इसके अलावा जो आपको देखने को मिलेगा फ्यूल गेज, तो ये सारा कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके ही अलावा जो एक बाजू में मीटर कंसोल है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो सिस्टम, तो वो है ब्लूटूथ नेविगेशन का, मतलब कि जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाला जो चीज है, मतलब ब्लूटूथ वाला जो कनेक्टिविटी है, तो ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी के डेट में एक और भी चीज सामने आया है इसी क्लासिक 650 के बारे में, जो कि है कि ये वाला जो बाइक है ना, तो इसका दोनों वेरिएंट्स होने वाले हैं। मतलब व्हील्स के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि एक है टूरर वेरिएंट और एक जो वेरिएंट है ना, तो वो नॉर्मल टाइप लोगों के लिए है, मतलब जो टूरर वेरिएंट को पसंद नहीं करते होंगे, तो उसके लिए। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।